जय मसीह की बहना में पास्टर राजेश के रवि सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। प्रभु जी उठा है, वास्तव में प्रभु जी उठा है। आप सबको ईस्टर की पुनरुत्थान के दिन की हार्दिक शुभकामना। यीशु मसीह आपको आपको आशीष करे और पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में, आपके फैमिली के जीवन में बहे। भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो 40 दिन उपवास करते हैं, वो जो है वो शराब नहीं पीते, वो स्मोकिंग नहीं करते, वो किसी पार्टी में नहीं जाते। मगर दुख की बात यह है कि 40 दिन खत्म होने के बाद जब ये ईस्टर का दिन आता है तो जो उन्होंने 40 दिन में नहीं किया वो सब कुछ इस दिन में करते हैं, वो शराब पीते हैं। बहुत सारे मसीह लोग जो है आज जो है वो शराब पिएंगे। उनको लगता है कि शराब पिए बिना ईस्टर के की मजा नहीं है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत गलत बात है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह हमारे दिलों में जी उठना चाहिए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे दिलों में होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। अगर यीशु मसीह हमारे दिलों में जी उठे हैं तो क्यों हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं? क्यों आज हमारे फैमिली में एकता नहीं है? क्यों फैमिली में झगड़े हैं? क्यों आज डिवोर्सेस हो गए हैं? बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिलीज में आज डिवोर्सेस हो गए हैं। जैसे दुनिया कहती है चलता है, डिवोर्स जो है वो चलता है, मगर बाइबल तो ऐसा नहीं कहती। मगर बाइबल कहता है कि गॉड हेट डिवोर्स। यीशु मसीह जो है वो हमारे दिलों में जो है वो जी उठा नहीं है, इसलिए हमें जो है हमें मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे आग बंद है, जो सही है जो गलत है वो हमें मालूम नहीं पड़ता है। अगर यीशु मसीह हमारे दिलों में जी उठे हैं तो क्यों आज चर्चिस के बीच में आज झगड़े हैं? क्यों दोनों मिनिस्ट्री के बीच में झगड़े हैं? क्यों दोनों पास्टर्स के बीच में झगड़े हैं? आजकल तो पास्टर्स इंटरनेट पे आके दूसरे पास्टर के साथ झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यीशु मसीह को हमने समझा नहीं है, हमारी आंख जो है वो बंद है। क्यों आज बहुत सारे जो मसीह जो है वो आज बुरी आदतों में है, वो शराब पीते हैं, वो धूम्रपान करते हैं, नशे करते हैं, पब में जाते हैं, वे व्यभिचार करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में यीशु मसीह जो है वो जी उठा नहीं है। हम यीशु मसीह को समझते नहीं है। हम सिर्फ हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उनको हम मानते हैं। हम यीशु मसीह को हम समझे नहीं है। हमारी आंख जो है वो आज बंद है, क्योंकि हम यीशु मसीह को जो है वचनों में हम ढूंढते नहीं है। बहुत सारे भाइयों बहन जो है वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने जो है वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। यूहन्ना एक बाइबल कहता है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। क्या लिखा है यहां पे? शब्द ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। तो यदि आप वचन को अगर आप पढ़ेंगे नहीं, खुद पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी आंखें जो है वो खुल नहीं सकती। आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, जो सही है गलत है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो है यीशु मसीह के वचन को पढ़ते नहीं है, यीशु मसीह को आप वचन में नहीं देखते हैं। हम जाएंगे लुका 24। सप्ताह के पहले दिन बुध सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। अभी ये जो स्त्रियां जो है वो कौन थी? ये यीशु के साथ थी, मरियम मगदलीन और भी थी, और यीशु मसीह ने जो है उनको बताया था कि मैं जो हूं 3 दिन के बाद मैं जी उठने वाला हूं। मगर ये जो स्त्रियां थी उन्होंने विश्वास नहीं किया। मगर स्त्रियों को छोड़ो, प्रेरित जो थे उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। तो ये सब जो है स्त्रियां सुबह जो है वो कब्र में आई। क्या लेके आई? वो सुगंधित सामग्री को लेके आई। उनको लगा कि यीशु मसीह का जो जो देह है वो वहां पे रहेगा, कब्र में होगा।
इसलिए देह पर लगाने के लिए, क्योंकि एक परंपरा थी, तो वो सब कुछ लेके आए थे। मरकुस 9:23 उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के ही हाथों धोखे से पकड़ा जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। मार जाने के 3 दिन बाद वह जी उठेगा। यीशु मसीह ने उनको बताया था। ये सब जो प्रेरित थे, यीशु मसीह के जो शिष्य थे, ये सब जो स्त्रियां थी, यीशु मसीह ने उनको बताया था कि मैं जो हूं क्रूस के ऊपर जाने वाला हूं, मगर 3 दिन के बाद मैं वापस जी उठने वाला हूं। ये बताया था, मगर ये जो है ये इन्होंने विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। यीशु मसीह बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने बहुत अच्छे चमत्कार किए, मगर आज जो है सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने विश्वास नहीं किया। आइए और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 20। किंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देखूं। अभी ये था थोमा। अभी थोमा जो था ये भी एक प्रेरित था, मगर उसने विश्वास नहीं किया। उसने क्या कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उनमें अपनी उंगली न डालूं तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डालू, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। देखो ये यीशु ने जो कहा है उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते। जो वचन में कहा है वो विश्वास नहीं करते हैं, मगर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने मुझे देखकर मुझसे विश्वास किया है, किंतु धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जो वचन में यीशु मसीह को देखते हैं वो धन्य है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, उससे वे भीतर चली गई, किंतु उन्होंने वहां प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। जब वे इस पर अभी उलझन में ही पड़ी थी, उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। डर के मारे वे धरती की तरफ अपना मुंह लटकाए हुए थी। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि ये जो स्त्रियां थी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जो है वो 3 दिन के बाद वापस आने वाले हैं, वापस जी उठने वाले हैं। ये जो है ये यीशु मसीह के जो है मुर्दों के बीच में ढूंढ रही थी। वो जीवित परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जो है आज यीशु मसीह को जो है वो मुर्दों के बीच में ढूंढते हैं, मगर यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है। उसे पुकार लो, वो आपकी हर मदद करने को तैयार है। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। याद करो जब वह अभी गलील में ही था, उसने तुमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि मनुष्य के पुत्र के पापियों के हाथ सौंपा जाना निश्चित है, फिर वह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और 3rd दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चित है। तब उन स्त्रियों को उसके शब्द याद हो आए, तब उनको याद आया, हाँ यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। उन्होंने जब कहा था तब उन्होंने विश्वास नहीं किया था। वे कब्र से लौट आई और उन्होंने सब बातें उन 11 और उन सभी को बताई। स्त्रियां थी मरियम मगदलीनी, योहन्ना और याकूब की माता। ये सब स्त्रियां थी जो गई थी सुबह सुबह। वे तथा उनके साथ की दूसरी स्त्रियां इनके बातों को प्रेरितों से कही, पर उनके शब्द प्रेरितों को व्यर्थ हो जाने पड़े। उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। अभी ये सब जो प्रेरित थे यीशु मसीह के साथ थे, हमेशा यीशु मसीह के साथ थे। जो यीशु मसीह जो शिक्षा देते थे, जो चमत्कार करते थे, वो गवाह थे उसके। उनके सामने यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन कब्र में था। फिर भी ये जो चेले थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो घर पे बैठे थे, उनको लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, चलो अभी हम अपने जिंदगी में वापस चले जाते हैं, हम वही
काम करेंगे जो हम पहले करते थे। किंतु पतरस खड़ा हुआ और कब्र की तरफ दौड़ा आया। उसने नीचे झुककर देखा, पर उसने संघ के उत्तम वेशम से बने कफन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखाई दिया था। फिर अपने मन ही मन जो कुछ हुआ था उस पर अचरज करता हुआ वो चला गया। उसने भी अचरज किया, मगर जो यीशु मसीह ने कहा था उसके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उस दिन उसके शिष्यों में से दो यरूशलेम से कोई 7 मील दूर यानी 10 या 11 किलोमीटर दूर बसे इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे। अभी ये दोनों जो थे वो यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो उस घर में मौजूद थे जहां पे ये सब प्रेरित लोग थे। उनको सब सब मालूम था कि क्या क्या हो रहा है, जो घटनाएं घटी थी उन सब पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो दोनों जन जो है वापस अपने गांव जा रहे थे। उनको भी लगा सब कुछ अभी खत्म हो गया, चलो अभी अपने गांव जो है वो इमाउस जाते हैं। जब वे उन बातों पर चर्चा और सोच विचार कर रहे थे तभी स्वयं यीशुआ आया, उपस्थित हुआ और उनके साथ साथ चलने लगा, किंतु उन्होंने उसे पहचानने नहीं दिया गया। यीशु ने उनसे कहा, चलते चलते एक दूसरे से ये तुम किन बातों की चर्चा कर रहे हो। अभी यीशु मसीह जो है उनके साथ चल रहे थे, मगर वो यीशु मसीह को जो है वो पहचान नहीं सके। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या, आप किस बात के ऊपर आप बात कर रहे हो। वे चलते हुए रुक गए, वे बड़ी दुखी दिखाई दे रहे थे। उनमें से किलयूपास नाम कि एक व्यक्ति ने उनसे कहा, यरूशलेम में रहने वाला तू अकेला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो पिछले दिनों जो बातें घटी है उन्हें नहीं जानता। यीशु ने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, सब नासरी यीशु के बारे में है। यह कैसा व्यक्ति था जिसने जो किया और कहा वह परमेश्वर और सभी लोगों के सामने यह दिखा दिया कि वह एक महान नबी था। अब ये जो शिष्य थे उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने वो क्या कहे कि वो नबी था, वो नबी नबियों का नबी था, वो परमेश्वर था। और हम इस बारे में बातें कर रहे थे कि हमारे प्रमुख याजकों और शासकों ने उसे कैसे मृत्यु दंड देने के लिए सौंप दिया और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हम आशा रखते हैं कि यही वह था जो इज़राइल को मुक्त करा था। अभी देखो ये जो है उनको भी समझ में नहीं आया यीशु मसीह कौन थे। वो भी यीशु मसीह को समझ नहीं सके, उनके साथ थे मगर समझ नहीं सके वो क्या कह रहे हैं। यहां पे यही था जो इज़राइल को मुक्त करने के लिए आया था। वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था। स्वर्ग से धरती पे आने का यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? वो आया था दुनिया के उद्धार के लिए, वो आया था हमारे पापों के लिए मरने के लिए क्रूस के ऊपर, अपना लहू बहाने के लिए। वो सिर्फ इज़राइल को मुक्त करने के लिए नहीं आया था, वो सारे दुनिया को जो है पाप की चुंगुल से आजाद करने के लिए आया था। और इस सब कुछ एक अतिरिक्त इस घटना को घटे यह तीसरा दिन है और हमारी टोली की कुछ स्त्रियां ने हमें अचंभे में डाल दिया। आज भोर के तड़के वे कब्र पर गई किंतु उन्हें उसका शव नहीं मिला। वे लौटी और हमें बताया उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा था कि वो जीवित है। फिर हम में से कुछ कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने बताया था उन्होंने वहां वैसा ही पाया, उन्होंने उसे नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम कितने मूर्ख हो और नबियों ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करने में कितने मंद हो। क्या मसीह के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इन यातनाओं को भोगे और इसी प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? और इसी तरह मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों तक और समूचे शास्त्रों में उसके बारे में जो कहा था उसने उसकी व्याख्या करके उन्हें समझाया।
अबे यीशु मसीह ने कहा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? जो बातें शास्त्रों में लिखी थी, जो भविष्यवाणी दी थी यीशु मसीह के बारे में, उसके ऊपर तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? और यीशु मसीह ने उनको जो है, उनको सब कुछ जो शास्त्रों में जो लिखा है, जो भविष्यवाणी की गई थी, वो सब कुछ उनको समझाया। यीशु मसीह चाहते थे कि वो जो है वे उन्हें जो है वो शास्त्रों में देखे, वचनों में देखे, तब उनकी आंखें जो है वो खुल जाएगी। वे जब उस गांव के पास आए जहां जा रहे थे, यीशु ने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उसे आगे जाना हो, किंतु उन्होंने उससे बलपूर्वक आग्रह करते हुए कहा, हमारे साथ रुक जाना क्योंकि लगभग सांझ हो चुकी है और अब दिन ढल चुका है। सो वो उनके साथ ठहरने भीतर आ गए। जब उनके साथ वह खाने की मेज पर था, तब उसने रोटी उठाई और धन्यवाद दिया, फिर उसने तोड़कर जब उन्हें दे रहा था, तभी उनकी आंखें खोल दी गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, किंतु वह उनके सामने से अदृश्य हो गया। तो यीशु मसीह जो थे वे अदृश्य हो गए, क्योंकि अभी जो है उनकी आंख खुल चुकी है। उनको पता चला है कि उनको यीशु मसीह को जो है वो वचनों में देखना है, इसलिए यीशु मसीह जो है वहां से अदृश्य हो गए। वे आपस में बोले कि वहां में जब वह हमसे बातें कर रहा था और हमें शास्त्रों को समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय के भीतर आग सी नहीं भड़क उठी थी? भाइयों बहनों, वही जब हम वचन को जब हम सुनते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे दिलों में जो है वो आग जो है वो भड़क जाती है और वो आग से हमारी आंखें खुल जाती है और हम जो है हम को पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए यीशु मसीह जो है वो हमारे दिलों में जो है वो जी उठना चाहिए। फिर वे तुरंत खड़े हुए और वापस यरूशलेम को चल दिए। भाइयों बहनों, यरूशलेम से उनका जो गांव था इम्माऊस 10 किलोमीटर था। अब ये जो है वो जब उनकी आंखें खुल गई, तो ये जो थे वापस यरूशलेम में चले गए, यानी उस दिन वो 20 किलोमीटर चले। वहां उन्हें 11 प्रेरित और दूसरे लोग उनके साथ इकट्ठा मिले, जो कह रहे थे, हे प्रभु, वास्तव में जी उठा है, उसने शमौन को दर्शन दिया है। अभी वो कह रहे हैं, प्रभु वास्तव में जी उठा है। सही बात है, यीशु मसीह जी उठा है, वास्तव में वो जी उठा है। मगर बहुत आवश्यक है कि वो हमारे दिल में जी उठना चाहिए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे दिलों में होना चाहिए। जब दिलों में होगा, तब हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी हमने 40 दिन उपवास किया है, अभी मौज करने का समय आया है, चलो अभी हम वापस जो है शराब पीते हैं, वापस जो है हम झगड़ा करते हैं, वापस जो है हम बियर बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, व्यभिचार करते हैं। जब आपको सच्चाई पता चलेगी, जब आपकी आंखें खुल जाएगी, तब आपको पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है, तब आप यीशु मसीह को समझ सकेंगे। यीशु मसीह के जो प्रेरित लोग थे, जो शिष्य थे, वो भी यीशु मसीह को समझ न पाए। भाइयों बहनों, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के जो वचन है, उस वचन की ओर ध्यान देना, उस वचन को पढ़ना, यीशु मसीह को वचन में देखना। भाइयों बहनों, बाइबल कहता है कि जब आप यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसके ऊपर जब आप विश्वास करते हो, जब आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, 3 दिन के बाद वो जी उठे, जब आप विश्वास करते हो, तब आपका उद्धार हो जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते कि उद्धार के लिए आपको ये करना है, वो करना है। नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ किया है क्रूस के ऊपर। आपको सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास से आपको आपका उद्धार हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप इस धरती पे आए, आपने बलिदान दिया और 3 दिन के बाद वापस जी उठे। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।